गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम इन योर बायोलॉजी क्लास हम ट्रांसपोर्टेशन का कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन पार्ट टू जिसमें हम प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं ठीक है हाँ प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वो डिस्कस करेंगे कल हमने हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था और ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया था अब हम आज पढ़ेंगे अपना लिम्फ एक जो एक फ्लूड है ट्रांसपोर्ट का ही काम करती है और फिर उसके बाद हम प्लांट ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे लिम्फ, लिम्फ क्या होती है जिस तरह से ब्लड एक सर्कुलेटिंग फ्लूड है बॉडी के अंदर उसी तरह से लिम्फ भी एक अनदर सर्कुलेटिंग फ्लूड है जो कि बॉडी में सर्कुलेट करती है और मटेरियल को सर्कुलेट करवाती है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व होती है इसके कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो प्रोटीन्स प्लाज्मा और सम ब्लड सेल्स आर देयर इन दिस जो कई बार एस्केप हो जाते हैं ब्लड वेसल से क्योंकि ये लिम्फ जो है ये टिश्यू के स्पेसिस में पाया जाता है इसलिए इसको इंटरस्टिशियल स्पेसिस फ्लूड या टिश्यू फ्लूड के नाम से भी जाना जाता है लिम्फ जो है सेकेंड सर्कुलेटिंग फ्लूड है ब्लड इन इंटरसेलर स्पेसिस इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लड इन इंटरसेलर स्पेसिस लाइट येलो कलर की होती है ये जिसमें प्रोटीन्स होंगी लेकिन ब्लड प्लाज्मा से कम होंगी ब्लड प्लाज्मा की तरह ही इसकी कंपोजिशन रहती है इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करती है हार्ट से टिश्यूज़ की तरफ नहीं आती टिश्यू से हार्ट की तरफ को जाती है इन्फेक्शंस और डिजीज़ के साथ ये फ्लूड करती है फाइट लिम्फ सेल जो हैं ये लिम्फ नोड पे प्रोड्यूस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड टॉन्सिल्स हैं लिम्फ डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ड फैट को कैरी करता है इंटेस्टाइन से एक्सेस फ्लूड को ड्रेन आउट करता है एक्स्ट्रा सेलोर स्पेसिस में और फिर बैक इन टू द ब्लड इस तरह से लिम्फ का काम रहता है ठीक है लिम्फ चलेगा इंट लिम्फ इंट्रा सेलोर स्पेसिस में है लिम्फ कैपलरीज में आएगा लिम्फ कैपलरीज से लिम्फ़ बेसल्स में जाएगा बड़ी बेसल्स में फिर लिम्फ वेन्स में जाएगा और एट लास्ट हार्ट पे पहुंच जाएगा यही इसका सर्कुलेशन रहता है अब हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स का उसको देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन से पहले एक बात और कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए ये आपको है भी दिया हुआ आपके डू यू नो में शायद ब्लड प्रेशर जो है वो है क्या ब्लड प्रेशर होता है फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बाय ब्लड कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर प्रेशर इन आर्टरीज मोर देन प्रेशर इन वेंस आर्टरीज का जो प्रेशर है वो वेंस के प्रेशर से में ज़्यादा से ज़्यादा होता है आर्टरीज़ में अब दो तरह से हम देखते हैं प्रेशर को एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायास्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर होता है प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग बेंट्रिकुलर सिस्टोल जब बेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आर्टरीज़ में आ, क्या प्रेशर है वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायास्टोलिक प्रेशर होता है वो प्रेशर जब बेंट्रिकुलर डायास्टोल हो मतलब बेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो उस टाइम क्या प्रेशर है आर्टरी में वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है अगर नॉर्मली हम देखें किसी पर्सन का